Hey guys, welcome to my new YouTube video. You are watching Akansha Makeup Artist. Oh guys, आप सब बहुत अच्छे होंगे. और guys, मैं चल रही हूँ, भूख हो रही है बहुत. और मैं 3:30 हो गया guys. लेट ब्लॉग शूट कर रही हूँ बाय द वे, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है शूट करने का. तबीयत भी ठीक नहीं है. और बस मैं चल रही हूँ. है नहीं गाइस, मम्मी नानी की तबीयत खराब है, तो मम्मी नानी के घर गई है, तो मैं और भाभी अकेले तो और बोर हो रहे हैं. और बस गाइस बैठे हुए हैं, सुबह से यही कर रहे हैं. तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है, कुछ मन नहीं कर रहा करने का गाइस. आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, बट कोई नहीं गाइस. आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ गाइस. फाइनली इतना वेट करने के बाद मेरा फोन आ गया गाइस. दिस इज माय आईफोन गाइस. मेरा सपना पूरा हो गया. बताओ गाइस, आप लोगों के फेस्टिवल कैसे गए? गाइस मेरे तो बहुत अच्छे गए, लेकिन फेस्टिवल के बाद तबीयत बहुत खराब हो गई. और शायद आप लोगों के तो बहुत अच्छे गए होंगे. भगवान से दुआ करती हूँ कि आपके सारे दिन अच्छे जाए. और बस मैं अब छत पर बैठी हुई हूँ, मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी. और गाइस जाना तो मुझे भी था मानी को, रात को पूरा करके मन नहीं लग रहा था. और मेरे ब्लॉग्स भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि भाभी फिर अकेली रह जाती है घर पे, इस वजह से. और गाइस मैं तो घर में वैसे भी बहुत गुस्सा आता है घर में 24 घंटे. देखो अभी जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो शायद मैं कहीं जाऊँ, तो मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊँ गाइस. और गाइस मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरे फेस इतना ख़राब हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है गाइस? मेरा फेस इतना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, दाने दाने. और गाइस मेरे को ना कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी सूट नहीं होता है फेस पे, मेरे फेस पे दाने निकल जाते हैं. तो गाइस मेरे इस टाइम ना, पहले मुझे कभी सर्दियों में ऐसा नहीं होता था, अब जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आ जाती है ना, तो 2 साल से ऐसा हो रहा है, मेरे मुँह पर पिम्पल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं गाइस, अजीब सा खींचा खींचा. और गाइस मॉइस्चराइजर में कुछ सूट नहीं होता, लेकिन लगाना पड़ता है क्योंकि स्किन ऐसी हो जाती है खींची खींची वाइट वाइट, तो गाइस लगाना पड़ता है मॉइस्चराइजर. तो वही मॉइस्चराइजर मुझे सूट होता नहीं है, तो इस वजह से मेरे फेस पे बहुत दाने निकल रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाइस. आज तो मेरे हाथ दर्द हो रहा है, ऐसा लगा किसी ने मेरा ऐसे करके मुँह पकड़ा है. जब से उठी हूँ ना तब से यहाँ दर्द हो रहा है. गाइस देखो मेरे पीछे की दाढ़ आ गाइस, मेरे ना पीछे की दाढ़ आ रही है, अकल की दाढ़. अब शायद मेरे में अकल आ जाएगी, तो शायद मेरे में गुस्सा ना आए मुझे, और मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़े. बस गाइस अब 1-2 दिन में जाऊँगी मैं मदनगिरी नन्हे को लेने, क्योंकि हम साथ में रील शूट करेंगे, वीडियोस ब्लॉग शूट करेंगे. तो गाइस मैं जाऊंगी, गाइस कितने दिन टाइम से वैक्सीन कराई है, तो कितने गंदे हाथ लग रहे हैं, बहुत गंदे हाथ लग रहे हैं गाइस. बहुत टाइम से वैक्सीन कराई है इस वजह से, तो भोले बाबा. तो गाइस अब मैं वैक्स भी कराऊंगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी ना करा, मेरी बुआ की लड़की की शादी है दिसंबर में, तो मैं सोच रहा हूँ तभी करा लूँ, क्योंकि गाइस इतनी अच्छी ना ग्रोथ नहीं आती है, बहुत अच्छी ग्रोथ है तुम्हें पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन गाइस इस टाइम फुल ग्रोथ आ रखी है, तो इसलिए वही अगर मैंने आप करा ली तो फिर तब मेरी ग्रोथ नहीं आएगी. गाइस गला इतना दर्द हो रहा है गाइस,
इलायची। तो गाइस मन नहीं लग रहा है बस यार, क्या करूं, कोई दोस्त नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घर में रहो घर में रहो घर में रहो यार, घर में रह के पागल है। फैमिली जॉब नहीं करने देती, हद है। 10,000 रुपये में ऐसे भूखे हैं फिर भी फट गए, उसका कोई फायदा नहीं है। गाइस बस अब मैं बैठी हूँ, और गाइस मैंने अपने इंस्टा के वो मैंने आईफोन से ना रील कुछ शूट करी थी, तो गाइस आप लोग देखना जरूर जाके मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा ऑफिशियल 1। और गाइस जल्दी जाके देखो, फॉलो करो, और गाइस मेरी वीडियोस देखो। और गाइस जो मैंने आगे रील्स में बोला था कि ये मेरा अपना मतलब मैंने आईफोन ले लिया, तो गाइस ये आपके साथ एक प्रैंक करा था मैंने, मैंने कोई आईफोन ले लिया गाइस, और अभी मेरी हैसियत भी नहीं है आईफोन की। तो गाइस वो फ़ोन ना सुनीता के भाई ने लिया है, तो मैंने उन उसके फ़ोन से वीडियोस बना के डाली थी, और उसके फ़ोन से मैंने वीडियो डाली थी। गाइस मैंने कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं लिया, ये एक मजाक था गाइस, मैंने आप लोगों को एक प्रैंक करा था, शायद आपको मेरा ये प्रैंक अच्छा लगा हो। गाइस मैंने उससे ये बोला कि तू तेरे फोन का डब्बा खाया, उसने बोला अलमारी में रखा, मैंने कहा निकाल लियो कर रखियो, मैंने कहा अरे मैंने मैं तेरा फोन रखूँगी उसमें, और इसमें से ना फोन निकालूंगी, देखूंगी मेरी मेरी वीडियो पे कितने लाइक आते हैं। तो गाइस वो हंसने लग गया था। तो बस कुछ नहीं, फिर हमने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई गाइस, बाकी मैंने मजाक करा था आप लोगों के साथ, प्रैंक करा था। गाइस अभी मेरी हैसियत नहीं है, और शायद आप मुझे सपोर्ट करो तो मैं आईफोन भी ले लूँ, क्योंकि यार अभी तो मेरा फ़ोन वीवो Y21 है, तो मैं इसी के कैमरे से शूट करती हूँ, ना मेरे पास कोई कैमरा है ना कुछ है, नहीं गाइस मैं सिर्फ अपने फ़ोन से शूट करती हूँ, फ़ोन से शूट करके ही मैं डालती हूँ गाइस। तो बस गाइस अब मैं मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, देखती हूँ थोड़ी रील शूट करूँ या ना करूँ, जाती हूँ फ्रेंच फ्राइज बनाने, और मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी गाइस, क्योंकि मैं सुबह से फ़ोन चला रही हूँ, और थोड़ा फोन को रेस्ट दे दूँ, और मेरा फ़ोन अभी बहुत हिट हो गया था और हैंग हो रहा था गाइस, हैंग तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, तो क्योंकि मैं पूरे दिन फ़ोन चलाती हूँ उस वजह से, तो गाइस मैं आपको बना के फिर मैं लोग देती हूँ। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस पहले मैंने ना सोचा कि नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है फ़ोन भी पकड़ना और गाइस बनाना भी। तो गाइस ये मेरा रिफाइंड है, और ये अरारोट का आटा है, और गाइस ये मैंने आलू पतले पतले आलू काट के रख दिया, और गाइस थोड़े इसको मतलब बाउल करे हैं, तो गाइस मैंने इसे सूखने के लिए रखा है। बस मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मैंने डाल दिया है फ्रेंच फ्राइज, कैसे हो रहे हैं गाइस, फाइनली मेरे फ्रेंच फ्राइज बन गए हैं, ये लो आपके लिए गाइस, ये ले गाइस, ये अरारोट का आटा होता है ना जो ऐसे ही बनता है, तो गाइस बन गया, ये बन गया गाइस, मम्मी ना होने का फायदा गाइस ऐसे कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ, मम्मी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। टन 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 ना ना गाइस मेरी चटनी है, और गाइस मोमोज की चटनी जैसे होती है ना ऐसी है, मिर्ची और लाल मिर्च और लहसुन की पीसी है मैंने मिक्सी में। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय गाइज। और जिसने मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं करा है वो जल्दी जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा ऑफिशियल 1, और गाइज प्लीज़ यार कर दो, बाय, थैंक यू।